गुजरात के भरूच जिले में मशहूर अंबिका ज्वेलर्स में हुई गोलीबारी, चोरी भी की गई। बताया जा रहा है कि दो व्यक्ति गंभीर रूप से हैं घायल। घटना सोमवार दोपहर की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यह हादसा भरूच के शक्तिनाथ इलाके के पांचवती सर्किल के पास का है। मशहूर अंबिका ज्वेलर्स की दुकान में गोलीबारी और चोरी भी की गई। बताया जा रहा है कि लूटपाट और गोलीबारी के चलते दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आपको बता दें कि यह घटना के सामने ही पुलिस स्टेशन है। लूट और गोलीबारी दो व्यक्तियों ने की। यह सब करके वो फरार हो गए। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, किंतु वह दो बदमाश फरार थे। ऐसा भी बताया जा रहा है कि चोर चोरी करके कब फरार हुए और बाकी सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है। हादसे के आसपास में डर का माहौल है। वैसे ही कोरोना से लोग पीड़ित हैं। ऐसे में गोलीबारी और चोरी के हादसे से लोग अधिक सावधान हो चुके हैं। कितने रुपए की चोरी हुई और वो लोग कौन थे, यह अभी तक पता नहीं चला है। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच कर रही है और उन दो बदमाशों को पकड़ने में जुटी है। उन दो गंभीर व्यक्तियों को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां अभी भी उनका इलाज चल रहा है। भरूच से रमेश वैष्णव की एक रिपोर्ट। आज रोज बपोरना बे वगन अरसामां भरूच शहर ए डिविजन पोस्ट विस्तार यजमा हवेल पांचपत्ती विस्तार में अंबिका ज्वेलर्स से क्या चार अजाणा लोग हिंदी भाषी बे अलग अलग व्हीकल बजाज डिस्कवरी मोटरसाइकल और होंडा एक्सेस स्कूटी टाइप जो व्हीकल आए थे तीन पर आ पेला ज्वेलर्स की दुकान में एक व्यक्ति सफेद करेलो आए थे पची एनी पाछळ बीजा एक व्यक्ति आए थे अने सोना चेन जोवाना बाने सोनानो चेनू आखू बॉक्स बहार कढावी जोए छे। ए दरमियान मोको मळता ए बॉक्स लईने भागे छे। ज्वेलर्सना मालिक अने एना नौकरोए हिम्मतपूर्वक एनो सामनो कर्यो एटले आ लोकोए बंने वेपनमांथी फायर कर्युं। झपाझपी दरमियान एक वेपन पड़ी गयु छे। एना त्रण राउंड लाइव બે ફૂટેલા કાર્ટિસોલ ઉપરથી મળ્યા છે। એ મલ્ટીમેટ પિસ્તલ જણાય છે। ફૂટેજ ઉપરથી જોતા કુલ ચાર લોકો પાંચબત્તી સર્કલથી ભાગે છે। એમાંથી એક વ્યક્તિ પાંચબત્તીથી સિવિલ હોસ્પિટલ તરફ જવાના રસ્તા ઉપર જે ગ્રીન ચેક્સ પરનો શર્ટ છે એ ભાગે છે અને બીજા લોકો પાંચબત્તીથી મોટરસાઇકલ અને એક્સેસ ઉપર મોહમ્મદપુરા સર્કલ તરફ ભાગી રહ્યા છે એવા ફૂટેજ મળી રહ્યા છે। જિલ્લામાં અને સ્ટેટ કંટ્રોલમાં અમે નાકાબંધીના મેસેજ પસાર કરી દીધા છે। સીસીટીવી ફૂટેજ આધારે અને ગુજરાતના સાક્ષીઓ પાસેથી માહિતી મેળવી અને આ લૂંટને અંજામ આપનાર લોકોને પકડવા માટે અમે મહેનત શરૂ કરી છે। આ બનાવમાં અંબિકા જ્વેલર્સના બંને ભાઈઓ જે કઝિન ભાઈઓ છે એમને એકને પેટમાં અને એક હાથમાં ગોળી વાગી છે। હાલની પરિસ્થિતિમાં ઇજાઓ એટલી બધી ગંભીર નથી અને બંને ઓપરેશનમાં સારવાર હેઠળ છે। વધુ માહિતી આપને આગળની તપાસ પૂરી થયા પછી જણાવવામાં આવશે। થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ।